ईआरसीपी का मुद्दा राजस्थान की राजनीति में लंबे समय से चला आ रहा था, जिसका अब फैसला हो गया है। ईआरसीपी परियोजना से प्रदेश के होने वाले लाभ को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईआरसीपी परियोजना पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई है। इसकी पूरी होने से प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या का समाधान होगा। इन 13 जिलों में झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नई दिल्ली में समझौता हुआ। पानी बंटवारे पर बनी सहमति के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि ईआरसीपी से राजस्थान के 13 जिलों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। ईआरसीपी से मध्य प्रदेश और राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के लोगों के लिए वरदान साबित होगी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नदी से नदी जोड़ने का सपना भी साकार होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर, देवास सहित कई जिलों में पेयजल के साथ औद्योगिक जरूरतों को भी पूरा करेगी। इसके तहत 7 बांध बनाए जाएंगे। डॉक्टर यादव ने कहा कि इस परियोजना से दोनों ही राज्यों में औद्योगिक निवेश, पर्यटन और शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सिंचाई क्षेत्र और अधिक समृद्ध होंगे। अब आपको बताते हैं इस परियोजना से राजस्थान को होने वाले लाभ। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर और टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। राज्य के 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेगा सिंचाई जल। लगभग 25 लाख किसान परिवारों को सिंचाई जल और राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। ईआरसीपी में सम्मिलित रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज, मैज बैराज, राठौड़ बैराज, डोंगरी बांध, रामगढ़ बैराज से डोंगरी बांध तक फीडर तंत्र, ईसरदा बांध का क्षमता वर्धन और पूर्व निर्मित 26 बांधों का विकास किया जाएगा। समझौते के तहत पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़ा जाएगा। ये परियोजना भविष्य के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।